मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड में सिर्फ यंग कपल्स ही नहीं बल्कि पुराने एक्टर्स भी वैलेंटाइन डे पूरे उत्साह के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने जमाने में कई लड़कियों का क्रश रह चुके एक्टर सनी देओल भी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने वालों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। सनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वैलेंटाइन डे विश किया है। उन्होंने इस पोस्ट में दो तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर में एक कपल की शैडो दिखाई दे रही है जिसमें वो एक दूसरे को किस कर रहे हैं। वहीं दूसरी पिक्चर में कपल एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। इस पर उन्होंने कैप्शन लिखा है, हैप्पी वैलेंटाइन डे। अपनी पत्नी को हमेशा ग्लैमर लाइट से दूर रखने वाले सनी का ये पोस्ट सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये पोस्ट किसके लिए है। क्या ये उनके पुराने प्यार डिम्पल कपाडिया के लिए तो नहीं? सभी को पता है कि सनी देओल और डिम्पल कपाडिया का प्यार एक जमाने में परवान चढ़ा था, लेकिन दोनों को अलग होना पड़ा। बाद में उन्होंने बताया कि वो सिर्फ अब अच्छे दोस्त है। हालांकि कुछ दिनों पहले उन्हें लंदन की सड़कों पर एक साथ देखा गया था, इससे उनकी चर्चा फिर होने लगी थी। अब ये खबर है कि सनी एक फिल्म में कैमियो करने वाले हैं, जो डिम्पल कपाडिया के भतीजे करण कपाडिया की डेब्यू फिल्म होगी। इसमें डिम्पल भी होंगी और दोनों 24 वर्ष बाद साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे। डिम्पल और सनी कभी अलग हो ही नहीं पाए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।